हेलो गाइस, फाइनली हम कसौल पहुंच गए थे और रुक गए थे रात को यहीं पे। और मैंने सोचा था कि रात को आपको क्या ही दिखाऊं अंधेरे में, तो आप क्या ही देखोगे। सुबह आपको व्यू दिखाऊंगा कि कहाँ रुके हैं हम, तो आप देखिए व्यू एंजॉय करिए। ये देखिए जो ये है, ये पार्वती वैली है और ये पूरा तोश गाँव है। ओके भैया, और ये हम नीचे उतर रहे हैं। आ गया, देखो उनको आवाज मार रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। आप इस फ्लोर से भी शॉट एंजॉय करिए। आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, चलो। ओके भैया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये देखिए अपना नंबर कुछ दे दो, कभी आना हो तो कार्ड या नंबर कुछ हो। ये देखिए चेकआउट करते हुए हम सारे, हालत बहुत खराब है और मौसम हो गया भाई, सारे ठंड के कपड़े कसोल रह गए। सारा खीर गंगा ट्रैक करने आए, वहाँ बारिश पड़ गई, यहाँ जबरदस्ती आना पड़ा। बट ब्यूटीफुल प्लेस यार कसोल। तोश विलेज। yeah. ये देखिए मौसम तो खराब हो ही रहा है। बाकी आपको सुबह के शॉर्ट्स दिखाऊंगा मैं आपको, मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे देखने के, साइकिलिंग और नथिंग पे। तू ऐसे गाजियाबाद के, तेरे से मैंने बोला तो ऐसे एक्सेंट क्यों मारता है? अच्छा अच्छा, यू नो हॉर्स? यस। चल रही है, हम नीचे उतर रहे हैं। इसका भी अलग ही ट्रैक था, हमने जान के ऊंचाई पे लिया था ताकि हमें दिक्कत ना हो। चलो भाइयों, कमांडो। और मेरे को शायद बाइक चलानी पड़ेगी, तो मुझे लग नहीं रहा मेरे से हो पाएगा, पर देखते हैं। रोहित यहाँ पर हाथ कैसे, बताओ आप। रोहित भैया यहाँ ऊपर चढ़ने में गलत हो गया इनके साथ बहुत। ये देखिए ये होटल था हमारा, ये जो यहाँ दिख रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला। ये पूरा तोश का रास्ता है और हम भी नीचे उतर रहे हैं। खैर आपको नीचे उतर के मिलते हैं, मौसम देखते कैसा है फिर। ये देखिए जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं व्यू कैसा होता जा रहा है। ये पूरा तोश है, मौसम खराब होते हुए। ये लोकल्स बे नीचे मिलते हैं, आपसे पहुंच गए। जगह को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा यार, तो उसके अंदर ही हूँ मैं। ऐसा ही रास्ता क्योंकि गांव है, और अगर आते हो तो आपको बाइक थोड़ी दूर लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। तो वही है, हम बाइक्स पे पहुंचने ही वाले हैं बस। गाइस हम नीचे आ गए फाइनली, और यहाँ सामने हमारी बाइक स्पॉट है, हम जा रहे हैं बाहर निकल के। अब बाइक्स पे पहुंच गए, रास्ता ही खो गया था मैं। Oh my God! Wow! हाँ तो गाइस हम तोश से निकल के अपनी बाइकों पे हो चुके हैं, और मैं हमने ये किराए पे ले रखी है, अभी इसी के साथ हम जाएंगे आगे। और ये रोहित भाई है, इनके पास दूसरी बाइक है, और उससे आगे एक स्कूटी, हमने तीन चीज़ें ली थी। मनोज भाई पेट्रोल ले रहे थे, हम यहाँ पे मिल जाता है इजीली,
और ये आकाश, इसको डर लग रहा था कि नीचे मौसम ख़राब होगा, बट अब ठीक है, खुश है ये, और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बुलेट चलाने को मिल गई। ठीक है फिर नीचे चल रहे हैं, बताते हैं पानी पियेंगे। पानी हाँ जी पिला दीजिए प्लीज़, थैंक यू। ठीक है गाइस आपसे मिलते हैं। अगर आप जब टोच से वापस जाएंगे कसोल की तरफ तो थोड़ी सी मतलब ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि रोड आप कह सकते हैं 70-30, मतलब 30% आपको मिलेगी फ्लैट, बाकी आपको मुश्किल हो सकती है। तो एक्सपीरियंस राइडर्स ही मतलब प्रेफर करें यहाँ बाइक चलाने के लिए, वरना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे मैं मतलब यस ब्रदर, जैसे क्योंकि अभी ना एक्सपीरियंस हैवी बाइक से, मतलब मीटियोर, रॉयल एनफील्ड जैसे ऐसी बाइक चलाने का, हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, देन दे कैन ईजिली मैनेज इट। बट अदरवाइज वी आर थिंकिंग कि यार बाइक बस वहीं चलाई है और यहाँ पे भी मनूवर कर लोगे इजिली, लेकिन मुश्किल हो जाएगा वो। ये देखिए देखिए, अब ये आप सोचिए कि ऐसे उस पर ढलान पे जब चढ़ेगी बाइक, आधे देखिए। हाँ गाइस हम बहुत, अरे यार ये बहुत तेज़ी में जा रहे हैं नीचे, और पर रुक गए थे। देखिए बाइक पे स्टार्ट है, आपको आवाज़ आ रही होगी, और ये आपको व्यू दिखाने के लिए ड्रॉप है। ये देखिए नीचे ये पार्वती वैली, इसका फ्लो देखिए, मतलब क्या ही बताऊँ। और वो ऊपर देखिए बर्फ़ के पहाड़, ये हम यहाँ से अभी नीचे उतरे, सारा नीचे उतर के यहाँ पहुँचे अभी हम, और आगे रास्ता देख लीजिए। और बाकी हम अभी की कसौल की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं फिर वहाँ जाके। ये आकाश, अबे साले। हाँ तो गाइस फाइनली हम कसौल पहुँच गए, यहाँ से निकल रहे हैं बहुत जल्दी में, और जहाँ भी जाएंगे आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। मतलब अभी तक का ये प्लान है कि मनाली जा रहे हैं, पर मनाली में कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, वहीं पहुँच के बताएंगे। तो वही आप बने रहना, ठीक है ना? ठीक है आकाश, रेडी हो आप पूरे? बिल्कुल। ये भाई बहुत मतलब क्या बताओ, अंदर इसके बहुत इतना वो भरा हुआ है, क्या कहते हैं जज्बा, भाई फाड़ रहा है। आप वहाँ पे भी तोश में भी फाड़ दी भाई ने, है ना? तूने वो उठा लिया था अपना? ठीक है, ठीक है गाइस। आपसे मिलते हैं, हम बताते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ तो गाइस जैसे हमने आपको बताया था, हम कसौल से निकल के अपना यहाँ मनाली आए हैं, और ये हमारे कुछ भाई रोहित भाई और मनोज भाई वो देख रहे हैं। स्लो हो गए, थक गया हूँ ना मैं, मतलब बुलेट चलाई आज मैंने हिल्स पे पहली बार, ये एक अचीवमेंट है मेरे लिए, तो मैं थकूंगा ही, तो इसलिए मैं थक गया हूँ। तो आपके शरीर में दिखने चाहिए, आपकी बोली में थकान। हाँ तो वही है ना, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, लड़खड़ाहट का मुझे समझ में आया, वो मैं आपको बताऊंगा क्या। और ये गाइस हमारे होटल से व्यू है, अभी तो खैर आपको सिर्फ लाइट्स दिखाई दे रही होंगी, पर मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं आपको सुबह भी दिखाऊंगा ये व्यू, ताकि आपको अंदाज़ा लगे। और सबसे बड़ी बात, हम कल यहाँ से कहाँ जाएंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, ये मैं सीधा आपको देखने को ही मिलेगा, आप देखना। और ये रोहित भाई का आइडिया था, मैं ये भी बता दूँ, नहीं मानते वो, चाहे जितना मर्जी जाना है तो जाना, फिर मुझे भी उन्होंने थोड़ा वो बताया तो मेरे को भी लगा जाना चाहिए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ है वो, हम बने रहना, सुबह मिलते हैं आपसे। हाँ तो गाइस गुड मॉर्निंग, और हम अभी चेकआउट कर रहे हैं अपने मनाली से रूम से, बाकी सब तो नीचे जा चुके हैं, बस ये मेरे साथ रोहित भाई है, वो भी अपना पैकअप कर रहे हैं धैड़ पैड, ताकि हम फटाफट पहुँचे। और कहाँ जा रहे हैं हम आपको सीधा वहीं पहुँच के बताएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। और आप ये बाहर जो मैंने आपको नाइट व्यू दिखाया था, वो आप एक बार डे व्यू देखिए। ये पूरा मनाली है, ये हमारे होटल से व्यू है। बाकी आपको रास्ते में मिलते हैं, जहाँ भी हम जाएंगे आपको बताते हैं। और आज जहाँ तक हमारा लास्ट डे होगा यहाँ पे, तो देखते हैं। हाय गाइस, मैं पहुंच चुका हूं कहां पे, अटल टनल। तुम्हारे पास लाइसेंस है जो कि? हाँ। अबे साले ऐसा है क्या? ठीक है, मेरे को बाइक चलानी पड़ रही है, तो मैं आपको अंदर का पूरा दिखाता हूँ, क्या सीन है क्या नहीं। स्टे ट्यून्ड।
बताओ कैसा लगा आपको। और अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ से कसौल जा रहे हैं वहाँ पर कुंता सिसु भी जाने का प्लान है। और ये हमें रोहित भाई लेके आए थे अटल टनल, अभी हम थोड़ा यहाँ से आगे जाएंगे सिसु, वो आप देख सकते हो वहाँ पे अटल टनल है। और वो मैंने 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे बड़ी टनल पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में नहीं और हिंदुस्तान की सबसे एडवांस टनल। अच्छा हमको सिखा रिया है। और आज इन्होंने क्या मतलब एडवेंचर करवाया यहाँ लाके, अब और लाके लेके जाने वाले हैं ये हमारे हमारे पीछे हैं। आप तो फिर वापस आ रहे थे। अबे साले अब वो हो जाता है कभी कभी ना, कुछ हो जाता है, हम लौंडे हैं गरम खून के गरम खून के लौंडे हैं, क्या करें बताओ। पर आप व्यू देखिए, व्यू एंजॉय करिए। अभी वो मैंने दिखा दिया लद्दाख सिर्फ 396 किलोमीटर से, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था वहाँ लिखा हुआ था, तो वही है। आज तो नहीं जा पाएंगे हम लद्दाख, वापस जाना है। आगे बनाएंगे लद्दाख का भी सीन पूरा अपनी टीम के साथ। गाइस हम यहाँ से एक छोटा सा पुल क्रॉस कर रहे हैं, ये अभी आपको दिखाते हैं जैसे भी होता है। Stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I. Flights to wherever, I don't mind, as long as it's with you, as long as it's with you. हाँ तो गाइस हम वो वहाँ से निकले और अब हम जहाँ आए हैं थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ी, पर मैं आपको ये दिखाता हूँ कहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए ये पूरा वाटरफॉल कहाँ से ही आ रहा है ये तो पता ही नहीं चल रहा। ये हमारे रोहित भाई, रजत, मनोज भाई, ये पीछे व्यू देखिए यार। और ये मेरे पीछे आपको हमारी बाइक्स खड़ी हुई दिख रही होंगी। और बाकी ये जो व्यूज़ है इसके मैं वैसे अलग से भी शॉर्ट्स डाल दूंगा वीडियो में ताकि आपको और मज़ा आए देखने में, तो वही है। बाकी अब देखते हैं यहाँ से हम, अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, ब्रेकफास्ट तो क्या, अब तो लंच का टाइम हो गया, अब लंच भी नहीं किया अभी तक, सुबह से कुछ नहीं खाया इन शॉर्ट। अब देखते हैं क्या होता है, रास्ते में कुछ खाएंगे तो आपसे मिलते हैं। अभी तो यहाँ से सिसु, ये सिसु है जगह, कौन सी जगह है, सिसु सिसु में है। अब यहाँ से हार्डली 400 किलोमीटर के करीब होगा वो, 400-450 के करीब ले, तो भैया अभी तो फिलहाल हम ले नहीं जा रहे, वापस जा रहे हैं, तो आपसे मिलते हैं जैसे भी होता है। As long as it's with you.
गाइस हम सिसु से निकल के हमने अपना मतलब सिसु से निकल के यहाँ पहुँचे हैं। देखिए ये फोटो खिंचवा रहे हैं ब्रो, हर काम देश के नाम भाई हमारे। किसका? ब्रो का। ब्रो का ब्रदर ये बताओ फिर आप बताओ फिर हाँ जल्दी बताओ ना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा हमको सिखा रहा है। देखा मतलब बढ़िया बंदों के साथ रहने में, नॉलेजेबल बंदों के साथ रहने का ये फायदा है। अब ब्रो मैं तो सोच रहा था ये हमें लिखा ब्रो कि हाँ भैया, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रो हर काम देश के नाम। अबे साले और क्या, जैसे हम मैसेज लिखते आगे वो डॉट भी लगा रखे है ना, वो क्या कहते हैं। बाकी तो जा रहे हम रास्ते में, ये हमारे दो लौंडे, ये रजत है और ये आकाश है। हाँ आकाश तो पोज ही मारता रहता है, जब देखो इसकी जिंदगी पोजिंग में ही निकल जाएगी। ये देखिए व्यू देखिए यार, यहाँ छोड़ने जाने का मन नहीं कर रहा यार ब्रो। ठीक है गाइस अब आपसे मिलते हैं रास्ते में। अभी हम जा रहे हैं कहाँ, सीधा बुंतर देखते हैं, अगर रास्ते में रुकेंगे। बुंतर ही तो बोला है, बुंतर बोला तुमने, फिर क्या होता है बुंतर है। बुंतर हाँ हाँ बहुत है ये भाई। ठीक है मैं हम जा रहे हैं बुंतर देखते हैं, या फिर वही रास्ते में अगर रुकेंगे तो मिलते हैं, वरना तो वहीं। अभी हमने यहाँ पर कुछ खाया पिया था तो गाइस स्टे ट्यून। हाँ तो गाइस फाइनली हम बुंतर पहुंच गए और हमने अपनी बाइक्स दे दी, और अभी हम जहाँ पे हमने बाइक्स रेंट पे ली थी उसी शॉप में है, और ये बाकी हमारी टीम। ये रोहित भाई अपना सामान पैक करते हुए, ये आकाश भाई, ये रजत भाई, और ये हमारे जिनको बाइक जिन्होंने हमें बाइक दी थी वो भाई बहुत अच्छे हैं। भाई आपका नाम क्या है? सूर्या भाई टीम में आ गया। यार सूर्य अगर आप बुंटर मतलब यहाँ से अगर आप बुंटर आए और आपको मतलब कसौल तोश या मनाली के लिए भी अगर आपको बाइक लेनी है देन दिस इज द प्लेस। बाहर से दिखाओ बाइक रेंटल्स बुंटर। ये आपने बताया नहीं, आपको पता नहीं है क्या करते हैं। ये देखिए ये है और ये सूर्य भाई आपको यहाँ मिलेंगे। अच्छा ये हमारा और ये आपको बाइक्स देंगे यहाँ पर रेंट पे, और बाकी अब आगे हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी सीधा बस है हमारी, उसके बाद दिल्ली पहुँच जाएंगे सुबह तक। तो वही है हमें ये आपसे ये वाला सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, और आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है गाइस स्टे ट्यून्ड।